सिंह मान जी की अगवाई दे विच होई, जिस विच वख-वख एजेंडिया दी आइटम जिहड़ियां ने वो डिपार्टमेंट्स वल्लों पेश कीतियां गईयां। सब तो अहम जिहड़ा एजेंडा सी अज दी मीटिंग दा, मैं समझदा कैबिनेट दा, वो 16वीं पंजाब विधानसभा दा जिहड़ा 5वां समागम बुलाउण संबंधी आ, क्योंकि ये पंजाब विधानसभा जिहड़ी आ 16वीं विधानसभा की इहदा 5वां समागम बुलाउण नूं जिहड़ी आ प्रवानगी जिहड़ी आ अज जो मानयोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई दिती गई आ, और विधानसभा का सैशन जिहड़ा इस महीने विधानसभा का सैशन होगा, और सैशन की म्याद जिहड़ी आ वह दो दिन होगी। विधानसभा का सैशन जिहड़ा वह दो दिन चलूगा, जिहदे विच वख-वख बिल जिहड़ा साडा बिजनेस पिया सी, पेंडिंग बिजनेस पिया सी, वह होणगे। 28 नवंबर 2023 ते 29 नवंबर 2023, 28 तो लैके 29 दो दिन का जिहड़ा विधानसभा का सैशन असी बुलावांगे। उस सैशन के अंदर वख-वख बिल, विधानक जिहड़े बिल सीगे जिहड़े काफ़ी लंबे अरसे तो पेंडिंग पए सी, वो बिल जिहड़े नेगे पास किए जाणगे, ताकि जिहड़ा साडा पंजाब का रेवेन्यू काफ़ी जगह पर रुकिया होया सीगा वह भी दुबारा आना स्टार्ट होवे। इहदे नाल ही एक बहुत ही होर इंपॉर्टेंट मामला, क्योंकि जदों भी कोई कैबिनेट हुंदी आ, जदों भी कैबिनेट बुलाई गई है, हुण तक लगभग हरेक कैबिनेट के अंदर मानयोग मुख्यमंत्री साहब का फैसला हुंदा गा कि नवीआं असामियां, नवे रोज़गार के साधन पंजाब के नौजवान मुंडे कुड़ियां लई किवें पैदा कीते जा, क्योंकि जिहड़ा पंजाब का यूथ ब्रेन ड्रेन हो रहा सीगा, जिहड़ा पुराने समय के अंदर 5 साल एक नैगटिव थॉट, एक नैगटिव धारणा पंजाब पैदा हो गई सी कि पंजाब कोई नौकरियां निकल दी हैगियां, ये बिल्कुल परसैप्शन पंजाब बन चुकी सी पिछले 5 साल बनिया। और साडा हरेक कैबिनेट के अंदर यह फैसला हुंदा गा कि हरेक कैबिनेट के विच असी नवीआं असामियां की रचना करिए, असी पंजाब नूं अगे लैके जाण दी गल करिए, असी अपने नौजवान साथियों नूं, नौजवान मुंडे कुड़ियों के पंजाब रुजगार दईए। सो उस दे तहत साडी जिहड़ी द महाराजा भुपिंदरा पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला गई आ, उहदे विच नवीआं असामियां की रचना की गई आ, उस यूनिवर्सिटी के अंदर नवीआं असामियां की रचना की गई आ, तां कि काम नूं असारू ढंग नाल, सुचारू ढंग नाल, अच्छे ढंग दे नाल चलाया जाए। वो जिस जी असामिया की रचना की गई, बड़ी जल्दी जी असामिया भर गई, ताकि साढ़े जोड़े बच्चे जोड़े स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर खेडन गए, उन्होंने डिग्रिया के लिए, उन्होंने प्रबंध के लिए, उन्होंने जोड़ा भी कामकार आदा है अच्छे ढंग ना काम हो सके। ये अज मैं समझना दो बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन पंजाब सरकार के हुए नेगे। इस तो बिना काफ़ी सारे कैदियों के केस पंजाब के अंदर जोड़े कैदी सी उन्हां विचों कुछ नूं रिहा किया गया गा, और जिन्हां दे केस नहीं बनते सीगे, जिहड़े डिजर्व नहीं करते सी, उन्हां दे केस जिहड़े हैगे ने उह रद्द भी किए गए ने गे। ये अज दे मैं समझदा मेन जिहड़े उह फैसले अज भी कैबिनेट दे विच सरदार भगवंत सिंह मान मानयोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई च लै गए ने। हाँ जी, देखो 9 पोस्टां की रचना जिहड़ी की गई आ, ताकि काम नूं जिहड़ा सुचारू ढंग नाल कराया चला जाए। देखो काफ़ी सारे आए थे जिन्हां विचों लगभग 4 रिजैक्ट किए गए हैं, और 5 के करीब जिहड़े देंगे उन्हां दी रिहाई दा फैसला। बिल्कुल, वो मानयोग साढ़े स्पीकर साहब इहदे ते फैसला लैणगे, क्योंकि जिहड़ा विधानक कामकार हैगा विधानसभा के अंदर वो बिल लैके आना हों और नाल दी नाल जो कोई सवाल जवाब आ उहदे समा घटाउणा वधाउणा वो मानयोग स्पीकर साहब का उन्हां दा काम है, वो लैणगे फैसला। बिल्कुल जिन्हें भी जिहड़ा कामकार चाहे अपोजिशन के MLA साहबान ने, चाहे सरकारी दल के MLA साहबान ने, सारा अपना अपना कामकार वो समा रहा। कुछ तो कामकार इस तरह का हों जिहड़ा 2 घंटे भी पहला लाया जा सकता गा, 2 दिन भी पहला लाया जा सकता। मेरी सारे सलाह उन्होंने कि वह विधानसभा की विधान की जी रूल बुक आ पढ़ लैन, उद्दे जे है तरीके दसे गए हैं कि 2 घंटे पहला कि बिल आ सकता गा, कि कामकार आ सकता गा, 2 दिन पहला कामकार आ सकता गा, वो सारे प्रावधान जोड़े ने दिते हुए। देखो सारी प्रेस की गैलरी अंदर पूरी प्रेस बैठी होंगी, अज तो पहला पंजाब विधानसभा का इतिहास आ,
पंजाब विधानसभा की एक हिस्टरी आ कि हुण तक आम आदमी पार्टी की सरकार आने तो पहला सरदार भगवंत सिंह मान जी ने बतौर मुख्यमंत्री सहुं चुकण तो पहला पंजाब अंदर किन्नी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। आप लीडर ऑफ द अपोजिशन जिहड़े हुण नेगे वो खुद मंत्री रहे, वो तो कैमरे तो उन्होंने तो लाइव कदे कराया ही नहीं सीगा, वो तो सैशन के अंदर जिहड़ियां डिबेटां हुंदियां सीगियां वो भी कट दिंदे सीगे। ये उन्होंने समय का इतिहास असीं दुरुस्त कीता गा। विधानसभा पंजाब दे लोग पहली बार लाइव देखण लगे नेगे, सो उन्होंने ये फैसला स्वागत करन दी बजाय इस तरह दियां जिहड़ियां रचना खड़ियां करदे ने बिल्कुल असीं विधानसभा के अंदर सॉरी कोर्ट के अंदर जावांगे मैटर सब जुडाइस आ, पर लेकिन सारा कुछ कैमरिया के सामने हुंदा गा। ये लाइव कौन लगी आ? आम आदमी पार्टी की सरकार ने शुरुआत की आ, और ये तो सारा कुछ पुराने समय के अंदर किस तरह कांग्रेस पार्टी जिहड़ी आ वो कानून नूं सिक्के टंगदी रही आ, किस तरह पंजाब विधानसभा के अंदर अपोजिशन सानू जो असीं अपोजिशन के अंदर हुंदे सीगे, चलो तो लाइव तो होना वक्री गल आ, सानू तो जिहड़े तुहाडे अखबार ने उन्होंने छपण तो रोक देंदे सीगे, तो हुण तो सारा कुछ आजाद हैगा। बिल्कुल हुण तक का जो बिजनेस आ वो दो दिन का गा, जे नवा बिजनेस आ समय के दौरान आजूगा जो अपोजिशन वाले ले आएंगे तो बिल्कुल असी वधाउण बारे विचार कर सकते हैं। देखो देश की सर्वोच्च अदालत मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे शब्दों के अंदर जिहड़ा वो फैसला दिता गा, और मैं समझदा साडे मानयोग गवर्नर साहब उस फैसले का मान सन्मान करनगे, और मैं समझदा जिहड़ा सैशन है बिल्कुल अच्छे ढंग नाल होऊगा। देखो जो अपोजिशन को बोलन लिए कुछ ना हो जो मुद्दे खत्म फिर कोई ना कोई उन्होंने सवाल खड़ा करना हों, बिल्कुल पंजाब सरकार के जो प्रोजेक्ट ने गे उन्होंने जी उ पूरी डिटेल दी गई है, तो मैं समझता उन्होंने जाके चेक कर लेना चाहिए। देखो मैं समझना बहुत सारे प्रोजेक्ट ने गे जिहड़े स्टेट भेजदा गा, जिहड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी होंदे ने स्टेट भी भेजदा गा, और स्टेट अपना शेयर पाउंदा गा स्टेट अपना हिस्सा पाउंदा गा, सो उन्हां मामलों के उत्ते उन्होंने मैं समझना शायद जानकारी नहीं क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो गया उन्होंने पंजाब की विधानसभा तो बाहर हो। देखो कोई किसी विधायक का कोई हथ नहीं है, जो कोई मामला सामने आऊगा तो कार्रवाई की जो कोई किसी किस्म का धक्का ना केबल ऑपरेटर ना कि हो रहा देखो मैं समझना केंद्र सरकार तुरंत भारतीय जनता पार्टी की केंद्र दे सरकार आ, तो भारतीय जनता पार्टी जो चाहिए गा पंजाब इकाई चाहिए गा वो सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री साहब नाल गल करके ये मामला जिहड़ा साडे काउंटर पार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब नाल उठाउणा चाहिए ताकि इहदा हल हो सके। बिल्कुल ये बहुत ही मंदभागी गल आ, मैं इहदी निंदा भी करदा गा, सो तुरंत उन्हां ते एक्शन होना चाहिए और केंद्र सरकार नूं इहदे ते अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल समय समय सिर विधायक भी पंजाब के लोग भी देश विदेशों के लोग भी संगत जी जाती रही है, सो रूटीन के अंदर कोई भी जा सकता तुसी भी जा सकते हो। देखो बिल्कुल स्पष्ट आ कि सरकार ने पहली बार आ कि किसानों की असी बांह फड़ी आ, किसानों को असी मशीनरी दे रहे हैं कि सारा कुछ मुहैया करवा रहे हैं, और किसानों को सरकार का साथ देना चाहिए और वातावरण का संभाल के रखना चाहिए। जो साडे बच्चे देशों विदेशों के अंदर जाते हैं उत्थे जाके 100% रूल नू लागू करते उत्थे बिल्कुल माड़ा जिहा भी धुआं घर चों नहीं निकल दिता जाता, तो इत्थे मैं समझदा किसानों को जिहड़ा वातावरण बचाउण के अंदर साथ देना चाहिए, सरकार जदों उन्हां दा साथ दे रही है सो सरकार नाल कोऑपरेट करना चाहिए। इस तरह की जिहड़ियां अग लाउण दीआं घटनावां ने उन्हां नूं नहीं लाउणियां चाहीदियां, क्योंकि वातावरण जे खराब हुंदा तां सब तों पहलां किसान भी पीड़िया जांदा गा, किसान की सेहत पर भी असर हुंदा गा और सारे देश के लोगों की सेहत पर भी असर होंगे। सो मैं समझना इधर संजम के नाल ध्यान के नाल जिहड़ा काम करना चाहिए, साडे तां गुरु साहिबान ने साडी गुरबाणी के अंदर लिखा गा
पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, तो मैं समझना साडे सारे किसान भरा सारे बहुत सारे किसान भरा जिहड़े नेगे गुरु साहब नूं हर रोज नतमस्तक हुंदे ने, तो मैं समझना गुरबाणी तो सीध लैके काम करना चाहिए। लीगल कह दिता पिछले सैशन नूं पर हले तक भी पुलिस नूं लैके इक बिल सी, यूनिवर्सिटियां दे चांसलर नूं लैके बिल सी, इस दे नाल कुछ होर कॉलेजस नूं लैके बिल सी, एसजीपीसी नूं लैके बिल है जिहड़े तुहाडी विधानसभा पास कर चुकी है, पर गवर्नर पंजाब दे बिल फसे हुए ने, हले तक उहनां ते ना मंजूरी दित्ती गई ना रद्द कीता। देखो बहुत सारे बिल जिहड़े मानजोग गवर्नर साहब कोले पेंडिंग पए ने, मैं समझदा मानजोग गवर्नर साहब उहनां ते जल्दी फैसला लैणगे, नहीं असीं जिहड़ी अगली कारवाई आ उह असीं साडी सरकार दे जिहड़े लीगल एक्सपर्ट ने उहनां नाल सलाह करके सुप्रीम कोर्ट दा रुख इक वार फिर तों कीता, नहीं साडे लीगल जिहड़े एक्सपर्ट ने उहनां तों राय लवांगे कि की हो की की पॉसिबिलिटीज़ नेगियां, नहीं इस तरह दी कोई। थैंक यू।